एक्स्ट्रा होशियारी जीवन में बड़ी तकलीफ दे सकती है। हम खुद करते हैं सर, भोगा हुआ मैं कह रहा हूँ। इसको एक्स्ट्रा होशियारी नहीं, एक्स्ट्रा भाग्य बोलते हैं। आगे की क्या तैयारी है? भगवान कसम श्रृंगार से विश्वास उठ गया। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। खुशियाँ, मुस्कुराहट, हंसी, ठहाके, कविताएं, शायरी, लतीफ, काफिये, नज्म, गजलें, तमाम चीजें उनके साथ शैलेश लोढ़ा कहने के लिए आ गया है। वाह भाई वाह। एक ज्ञान की बात आपको शुरू में बता दूं, जिंदगी में इंटेलिजेंट बनिए, ओवर इंटेलिजेंट मत बनिए, होशियार बनिए, एक्स्ट्रा होशियार मत बनिए। जैसे सामान्य भाषा में कहते हैं डेढ़ होशियार, वो कभी मत बनिए, वरना वो कभी भी निकल सकती है और निकालने वाला अपना कोई घर का ही हो सकता है। जैसे एक औरत ने अपने पति का मोबाइल चेक किया, उसमें लिखा हुआ था नाम सेव किए हुए थे, कॉन्टैक्ट नंबर आजकल सेव करते लोग, तो पहला नंबर एक दिखा मेरी हमदर्द, चौंकी, एक नंबर दिखा मेरी दुलारी, वो एक नंबर दिखा मेरे सपनों की रानी। अब पति ने कहा अब देखती हूं, तुरंत नंबर मिला मेरी हमदर्द, तो पत्नी की मां का फोन निकला, आदमी की सासू मां कह रही है कितना बढ़िया आदमी है, मेरी मां को अपनी हमदर्द मानता है। ओहो, दूसरा नंबर डाल किया मेरी दुलारी, तो पति की बहन का फोन निकला, रे दुलारी, छोटी बहन इसकी दुलारी है, कितनी बढ़िया, मेरे सपनों की रानी तो खुद का ही नंबर बजा। तो इतनी बेचारी जो है वो अपराध बोध से ग्रसित हो गई कि मैंने किस आदमी पे शक कर लिया जो मेरी माँ को हमदर्द मानता है, बहन को दुलारी मानता है, मुझे सपनों की रानी मानता है। मैं बिल्कुल मतलब आंसू निकल आए उसके। जैसे ही घर में आया पति बोले देखो मैंने बस मैं कुछ कह नहीं सकती कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैंने तुम्हारे जेब से पैसे निकाल निकाल के आज तक है ना 15-17 हज़ार रुपये बचाए थे, तुम रख लो वापस, बस तुम रख लो, तुम खुश रहो, बस तुम रख लो। तुरंत दे दिए। पत्नी की मां को पता चला, अच्छा मुझे हमदर्द मानता है, तो मेरा इतना अच्छा दामाद, उसने 5,001 रुपए का शगुन भेजा। अब इसके पास 22,000 रुपए हो गए, लेके तुरंत बोला मुझे जरा टूर पे जाना है, और अपनी गर्लफ्रेंड को लेके निकल गया जिसका नाम उसने छगन मैकेनिक के नाम से सेव किया था। लेकिन बदला कहीं ना कहीं तो निकल रही था। तो एक बार ऐसा नहीं है कि वरदान जो है वो कोई ऐसे आके जो है हमारे फरिश्ते वगैरह मतलब देते हैं, कोई वरदान तो कोई भी दे सकता है ऐसा। तो एक बार पति पत्नी जा रहे थे और रास्ते में एक चुड़ैल मिल गई। मांग क्या मांग, तुरंत पूरा कर दूंगी। तो पत्नी बोली हम दोनों है ना दुनिया घूमना चाहते हैं, कुछ ऐसा करो ना वर्ल्ड टूर हमारा इंतजाम कराओ। तक से दो टिकट आ गए। अच्छा इस उम्र में उम्र घूमने की इच्छा हो रही थी दुनिया घूमने की, क्योंकि दोनों ही 60 साल का पति था और करीब 55 साल की ये भी थी, अब दुनिया तो घूमनी चाहिए। तुरंत टिकट आ गए। अब पति को पूछा दूसरी इच्छा पूछो। अब लंपट पुरुष तुरंत बोला मेरी बीवी मुझसे 30 साल छोटी हो जाए। चुड़ैल ने तुरंत पति को 90 का कर दिया। बोले 30 नहीं 35 साल छोटा कर दिया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि स्त्री ही स्त्री के काम में आती है। एक्स्ट्रा होशियारी जीवन में बड़ी तकलीफ दे सकती है। लेकिन हमारे साथ 3 ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा होशियार तो नहीं लेकिन होशियार जरूर है, अपनी बुद्धिमता काम में लेते हैं और अपनी बुद्धिमता से कविताओं का कुछ ऐसा संसार रचते हैं कि जिस संसार में आके आप लोग तमाम जो है सिर्फ खुशियां ही नहीं पाते, एक संतुष्टि भी पाते हैं जिंदगी में। बहुत सारी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करके आपको संतुष्टि महसूस हो, जिनको सुन के आपको संतुष्टि महसूस हो, जिनको देख के आपको संतुष्टि महसूस हो, लेकिन हम ऐसा कुछ करते हैं कि आपके लिए तीनों चीजें तमाम साथ में लेके आते हैं। और इसके लिए हमारे साथ 3 लोग हैं, उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो पहले इस मंच पे आ चुके हैं और कुछ ने तो यहां इस मंच पे आके अचानक से स्टारडम पा लिया। उसमें से एक होते हैं विकास भोकल। विकास भोकल हमारे बीच में आते हैं सेमराई कला गांव में, तुम्हारे सेमराई बाराबंकी जिले में, बाराबंकी जिले में सेमराई नाम की छोटी जगह से आते हैं। देखिए लिख जगह
साइज में छोटी हो सकती है लेकिन वहां से प्रतिभा बड़ी निकल सकती है, इसका उदाहरण है विकास चौधरी। और एक ऐसी छोटी जगह जिसका नाम है दोस्तपुर, उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में दोस्तपुर है, और वहां से आते हैं सौरभ जायसवाल। और सबसे बड़ी बात यह है कि सौरभ जायसवाल को हम पहली बार टेलीविजन पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सौरभ जायसवाल और वारा सिवनी में रहने वाली एक जमाने में, वो भी बड़ी छोटी सी जगह है, वहां से आती है जीनत एहसान हमारे बीच में। और बहुत कम कवित्रियां और शायरात हैं जो मजाया लिखती हैं, हास्य लिखती हैं, और जीनत उनमें से एक है। हम स्वागत करते हैं जीनत। भाई महफिल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उसे बुलाते हैं जो है तो बौकल लेकिन भौकाल मचा देगा, विकास बौकल, जोरदार तालियों के साथ। सभी को नमस्कार, सर आपको प्रणाम करता हूँ। और सर आपने बताया एक्स्ट्रा होशियारी वाली बात, कुछ लोग दो दो तीन तीन जगह मोहब्बत करते हैं। हम खुद करते हैं सर, भोगा हुआ मैं कह रहा हूँ। इसको एक्स्ट्रा होशियारी नहीं, एक्स्ट्रा भाग्य बोलते हैं। तो इसका मतलब सर मैं भाग्यशाली हूँ? तुम तो कमाल के भाग्यशाली हो। लेकिन सर इसमें कानून बनना चाहिए। अच्छा, चार पंक्तियां सुनिएगा कि किसे खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, अच्छा सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। हाय हाय, किसे खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए, और ये किसी शख्स को दोबारा ना मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए, प्यार के रोग को आधार। सर लॉकडाउन जब हुआ, बंदी के दौर में हम लोगों को कैसी कैसी दिक्कतें हो रही थी। चार पंक्तियां सुनिएगा कि कुछ लोग यूं बंदी का समय काट रहे थे, कुछ लोग यूं बंदी का समय काट रहे थे, हर बात पे बच्चों को घर में डांट रहे थे, हर बात पे बच्चों को घर में डांट रहे थे, कुछ प्रेमिका की याद में ऐसे हुए गुमसुम, कुछ प्रेमिका की याद में ऐसे हुए गुमसुम, सर दर्द में पायल्स की दवा चाट रहे सर दर्द में पायल्स चाट रहे थे। सर कुछ लोग कहते हैं कि हमारी मोहब्बत कच्ची रह गई, पक्की नहीं हुई। तो मोहब्बत कच्ची रह गई, मोहब्बत मजबूत कहाँ होती? मोहब्बत मजबूत। चार में सर पढ़ता हूँ, आनंद लीजिएगा। कि चढ़ के उतरे ना वो भूत इश्क होता है, अच्छा चढ़ के उतरे ना वो भूत इश्क, वो भूत इश्क होता है, और जान ले लेता है यमदूत इश्क होता है। चढ़ के उतरे ना वो भूत इश्क होता है, और जान ले लेता है यमदूत इश्क होता है, और गली में उसके पिटाई हो लात घूसों से, तब पूरी तौर से मजबूत इश्क होता है। गली में उसके पिटाई हो लात घूसों से, तब पूरी तौर से और सर प्यार मोहब्बत में अक्सर लोग प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के नाम रखते हैं। मैं एक नाम रखने की कोशिश कर रहा हूँ, करो सुनिएगा। कि आंखों में हमेशा ही तेरी सीन रखूंगा, आंखों में हमेशा ही तेरी सीन रखूंगा, दिख जाओ दूर से ही वो दूरबीन रखूंगा, दिख जाओ दूर से ही वो दूरबीन रखूंगा, तुम जो हमारा नाम लॉकडाउन रखोगी, तुम जो हमारा नाम लॉकडाउन रखोगी, मैं भी तुम्हारा नाम क्वारंटीन। बहुत बढ़िया विकास। मैं भी तुम्हारा नाम क्वारंटीन रखूंगा, मैं भी तुम्हारा नाम। और सर भगवान श्री कृष्ण की वंदना मैंने एक लिखी है, ऐसे अद्भुत वंदना सर किसी ने नहीं लिखी। एक ने लिखा था वो मर गया था सर, तबीयत हमारी भी खराब है जब से लिखे हैं। तो एक वंदना की प्रभु इस धरती पर आए, इस युग में तो कैसी कैसी चीजों से बच के आए। एक छंद सुनिएगा, सुनाओ विकास। कि इस महंगाई में कन्हैया यदि आए कहीं, सच कहता हूँ रोटी दाल मार डालेगी। हाय हाय। इस महंगाई में कन्हैया यदि आए कहीं, सच कहता हूँ रोटी दाल मार डालेगी, और रथ ना मिला तो नैनो कार में चलेंगे आप, ब्रेकरों की राह में उछाल मार डालेगी। रथ ना मिला तो नैनो कार में चलेंगे आप, ब्रेकरों की राह में उछाल मार डालेगी। कि बूढ़ी बूढ़ी दादी
जींस टॉप में है चल रही है, सच कहता हूँ तुम्हें चाल मार डालेगी बूढ़ी बूढ़ी दादी जींस टॉप में है चल रही, सच कहता हूँ तुम्हें चाल मार डालेगी। और दो दो सिम वाले हैं मोबाइल गोपियों के हाथ, पूरी पूरी रात मिस कॉल मार डाले। बहुत बढ़िया विकास, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया विकास। ये जो हमारा रस्टिक ह्यूमर है, जो ग्रामीण अंचल का हास्य है, वो एक 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 अलग नई ताजगी देता है। और तुम अपने उस क्षेत्र से आए हो, ये बहुत मजे की बात है, जो आनंद की बात है जो तुम करते हो। लेकिन अब रूरल एरिया में भी, हमारे ग्रामीण एरिया में मिस कॉल तो पहुंच ही गया है, और दो दो तीन तीन सिम पहुंच गया, और आप कह रहे हो अब तो दादी भी जींस में चलने लगी है। पर क्या दिक्कत है यार, उम्र का वस्त्रों से क्या संबंध है? दादी क्यों नहीं चल सकती जींस में? वो दादाजी को किसी लड़के ने कहा आप क्यों नहीं पहनते हो जींस, पहना करो ना। हम तो धोती में ही ठीक है, हमारा तो धोती बढ़िया है। और बोलो पहना करो, बहुत ही आरामदायक होती है जींस। अबे बेटा तुझे तब पता चलेगा कि जींस कम आरामदायक और धोती ज्यादा आरामदायक होती है जब खुजली चलेगी। तो अपने अपना तरीका है लोगों के पास अपने अपना उत्तर देने का, लेकिन हमारे पास प्रतिभाएं प्रस्तुत करने का अपना एक तरीका है। और जानते हैं जब किसी प्रतिभा को हम पहली बार प्रस्तुत करते हैं तो सबसे ज्यादा अतिरिक्त खुशी का अनुभव मुझे होता है। आज एक ऐसी प्रतिभा को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो दोस्तपुर गांव सीतापुर जिले में जो है उत्तर प्रदेश में वहां से आता है। नाम है उसका सौरभ जायसवाल। जोरदार ताली बजा सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शैलेश सर का और शिमारो टीवी का। मैं चार पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि बेबी बाबू जान से डर लगता है। अच्छा। कि बेबी बाबू जानू जान से डर लगता है, अब तेरी कातिल मुस्कान से डर लगता है। बेबी बाबू जानम जानू क्या था? कि बेबी बाबू जानू जान से डर लगता है, अब तेरी कातिल मुस्कान से डर लगता है। मोबाइल का खर्चा तो जैसे तैसे झेला था, अब तेरे मेकअप के सामान से डर लगता है। अरे बेटा मेकअप का सामान दिला दे, अगर नहीं दिलाया तो देख के ज्यादा डर लगेगा। सर मैं आपको यकीन मानो मैं बताऊं, मैं शादी से पहले कुंवारा था। अरे मैं शादी से पहले सर कुंवारा था, तब मैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखता। बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, तेरे को समझ में आएगी या नहीं मुझे नहीं मालूम। आजकल अक्सर लोग शादी के पहले अविवाहित होते हैं, कुंवारे नहीं होते। सर मैं शादी से पहले कुंवारा था, तो मैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। मेरी सर शादी तय हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। हमारी इंगेजमेंट हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। सर हमारे उधर तिलक भी होता है। अच्छा। तो हमारा तिलक हुआ, हम तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखते थे। फाइनली एक दिन हमारी शादी हो गई, हम तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखते थे। सर श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। अच्छा। एक दिन हमारी श्रीमती जी हमारे सामने मुंह धो के खड़ी हो गई, भगवान कसम श्रृंगार से विश्वास उठ गया। अब सर मैं हास्य रस की कविताएं लिखता हूं। इसीलिए ब्यूटी पार्लर का हिंदी अनुवाद है महिला मुख काया पलट केंद्र। मैं चार पंक्तियां आपको आनंद की सुनाता हूं। देख खुद की सुना, आनंद की क्यों सुना रहा है? है मेरी लेकिन उनमें आनंद आएगा। हाँ तो ऐसे बोले, अर्थ बदल जाता है। आनंद की क्यों सुना रहा है? सौरभ की सुना जी। ये सर सौरभ की पंक्तियां आप सुनिए। जिससे आनंद आएगा। हाँ जिससे आनंद आएगा। पूरा वाक्य बोलो जी। ये सौरभ की पंक्तियां आप लोग सुने, इनमें बिल्कुल आपको आनंद आएगा गारंटी के साथ। हाँ सुनाओ। कि सांच को आंच क्या इसे प्रमाण देती है, कि सांच को आंच क्या इसे प्रमाण देती है, गड़े मुर्दे वो पल में उखाड़ देती है। प्रेमिका तो अर्थव्यवस्था सी खूबसूरत है, पत्नी पल में बजट बिगाड़ देती है। हाय हाय। पत्नी पल में बजट बिगाड़ देती है। मैं सर बिल्कुल प्रैक्टिकल कविताएं सुनाता हूँ, इधर उधर की मैं बात करता ही नहीं। मैं सुना रहा हूँ आपको कि इसको उसने किया चार चार आदमी से, कि इसको उसने किया चार चार आदमी से, एक बार भी नहीं किया बेरोजगार आदमी से। पति यहाँ भी नौकर है,
पति वहां भी नौकर है, मिलते ही छीन लेती है पत्नी पगार आदमी से। वाह वाह बहुत बढ़िया। मिलते ही छीन लेती है पत्नी पगार आदमी से। हमसे सर एक लोगों ने कहा कि पत्नी और साली के बीच में आप तुलनात्मक अध्ययन करके बताइए। अच्छा, तो मैं सर चार पंक्तियों में आपको तुलनात्मक अध्ययन सुना रहा हूँ। सुनाओ सौरभ। कि खिले हुए रोज सी लगती है, कि खिले हुए रोज सी लगती है, कैटरीना के पोज सी लगती है, और पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, कि पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है सौरभ, वाह बहुत बढ़िया। पहली बार तुम आए हो सौरभ, लेकिन तुमने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से पढ़ा, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा। अगली बार आओ तो बाल बाल बना के आना, तो ऐसे बिखरे बिखरे से हो। और जैसे तुमने बताया शादी हो गई, शादी होने के बाद तो आदमी बिखर ही जाता है। तो आइए हम आपको एक ऐसी कविता सुनवाते हैं जो आपकी ज्ञान जानकारी सब बढ़ा देगी। और ज़ीनत एहसान उन कम चुनिंदा शायरात में से और कवित्रियों में से है जो मजाया लिखती है, हास्य लिखती है, और हमें बड़ी खुशी है कि ज़ीनत आज हमारे बीच में। ज़ीनत एहसान, जोरदार तालियों से। पार्क में बैठे हुए प्रेमी से प्रेमिका ने कहा। अच्छा, पार्क में बैठे हुए प्रेमी से प्रेमिका ने कहा, कब तक यूं ही ऐसा चलता रहेगा, और दुनिया का डर दिल में पलता रहेगा। अरे वाह, कब तक यूं ही ऐसा चलता रहेगा, दुनिया का डर मन में पलता रहेगा। मैं तुम्हें चाहती हूँ तुम मुझे, अब क्या दुश्वारी है। मैं तुम्हें चाहती हूँ तुम मुझे, अब क्या दुश्वारी है, क्या दुश्वारी है। और सच्चे दिल से बोलो ना, आगे की क्या तैयारी। बहुत बढ़िया जीनत, बहुत अच्छे। सच्चे दिल से बोलो ना, आगे की क्या तैयारी है। तुम कम मेरी मांग में सिंदूर भरोगे और कम मुझसे शादी करोगे। तो प्रेमी बोला, शादी तो मैं आज कर लूं, शादी तो मैं आज कर लूं, पर मेरे सारे मित्र मुझे चिढ़ाते हैं, आपका नाम ले लेके सताते हैं। कहते हैं, आप जिसे चाहते हैं उसके घर वाले तो महान हैं, आप जिसे चाहते हैं उसके घर वाले तो महान हैं, पर आपकी प्रेमिका के चेहरे पे काले काले चेचक के निशान हैं। चेचक के निशान हैं आपकी प्रेमिका के चेहरे पे, काले काले चेचक के निशान हैं। तो प्रेमिका बोली, प्यार में सब नहीं देखा जाता, प्यार में ये सब नहीं देखा जाता, गधी हो या परी जब उससे जुड़ जाता है दिल का नाता। गधी हो या परी जब उससे जुड़ जाता है दिल का नाता। आज मैं तुम्हें एक बात कह रही हूँ, जाके सबसे बोल दो और ये राज अपने दोस्तों पे खोल दो, कि ये सब आशिकों ने मिलके मुझ पे हुस्न का जाल फेंका है, ये चेचक के दाग नहीं है, ये आशिकों ने मुझे नजर गड़ा गड़ा के देखा। हाय हाय, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। फिर मैं एक बात कहती हूँ कि ये रूप रंग एक उम्र के साथ ढलता है, ढल जाएगा, पर मन की सुंदरता सबसे सच्ची होती है, ये जीवन भर काम आएगा, ये जीवन भर काम। क्या बात है जीनत, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत अच्छा। क्या बात है, सही बात है, ये जो मन की सुंदरता होती है काम वही आती है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, तन की सुंदरता तो ढल जाती है, हर आदमी को एक ना एक दिन इस दौर से गुजरना है कि जब उम्र बीत जाएगी, लेकिन जो साथ रहेगी वो आपकी अच्छाई और सच्चाई ही रहेगी। सूरत कभी काम नहीं आती, सीरत ही काम आती है। सूरत से तो बहुत सारे लोग खूबसूरत होते हैं, लेकिन खूबसूरत लोगों की अगर सीरत ठीक ना हो तो फिर उनका इंसान होने का भी कोई मतलब नहीं। एक बहुत श्रेष्ठ और बड़ी काम की आपने कविता सुनाई, आप तीनों ने कमाल कर दिया, और बहुत बधाई। बस आप जिंदगी में यूं आगे बढ़ते रहिए, वाह भाई वाह, देखते रहिए, कविताएं सुनते रहिए, कविताएं सुनाते रहिए। शायरी और कविता से थोड़ी सी मोहब्बत रखिए, क्योंकि भाषा और संस्कृति अगर आपके पास ये जिंदा है तो सब कुछ जिंदा है। हमें हमारी तमाम भाषाओं पे, हमारी संस्कृति पे सम्मान करना चाहिए, कि भारत को ईश्वर ने इतना वरदान दिया, इतनी सारी भाषा, इतने सारे रंग, इतने सारे प्रांत, इतने सारे लोग और इतनी सारी चीजें, ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकती हैं। इसीलिए आइए अब मेरे देश के लिए एक बार मिलकर कहते हैं, वाह भाई वाह।